नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान, आज फिर से किसान पाठशाला प्लेटफॉर्म पर आज हूँ ओस्मानाबाद। यहाँ परांडा में कुक्कड़ गांव है। यहाँ पे हमारे फार्मर हैं केतन भाई। इन्होंने रेवा प्लस का पौधा लगाया था और फर्स्ट सेकंड भी जनरेशन कट के ख़त्म हो गया और थर्ड जनरेशन इनका चालू है। उनका नाम वगैरह मैं बता रहा हूँ। केतन भाई, राम राम। राम राम। आपका नाम एड्रेस बताइए, हम लोग कहाँ पर हैं? हम लोग कुक्कड़गांव, तहसील परंडा, डिस्ट्रिक्ट उस्मानाबाद। आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए, हम लोगों से आपकी कैसी मुलाकात हुई? और मतलब 2.5 साल से हम लोग टच में हैं, लेकिन मुलाकात अभी हो रही है। तो पहली मुलाकात तो यूट्यूब पे हुई। बराबर। जिस दिन मुलाकात हुई तो डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर था महाराष्ट्र के लिए, गणेश बोंडे करके, उस पर कॉल किया। तो आपने पहले बोला कि जितने वीडियो है, जब मैं आपसे टच हुआ तो कुल मिला के 340 वीडियो थे स्टार्ट। बराबर बराबर। उस टाइम मैंने वो पूरे 15 दिन 340 वीडियो, डेढ़ डेढ़ घंटे के बलराम भैया के वीडियो थे, वो सब देखे। उसमें उसकी फिजियोलॉजी पूरी मेरे को समझ में आई कि केली क्या है और केला को क्या चाहिए। बराबर। और उसमें क्या है, और उसमें से ज्यादा वो आपका जो स्लोगन था कि शंकर ज्यादा उत्पादन ज्यादा, वो सबसे अच्छा लगा। और उसके हिसाब से पूरे यूट्यूब मेरा गुरु था। उससे मैंने ये सब सीखा और उसी से आज थर्ड जनरेशन है मेरा रेवा प्लस का। और उससे अच्छा गया कि एवरेज भी वैसा ही चला है अभी तक। और जो मेरे को केला निकालने में, यानी कि उसका प्रोडक्शन लेने में जो तकलीफ थी, वो पूरी की पूरी अभी तक क्यों रहे। और टोटल आज यूट्यूब पे आज के तारीख तक 27/11/2022 तक पूरा यूट्यूब पे ही मैं अटैच था। आज अपनी मुलाकात हुई है। हाँ। दूसरी बात कि पहला प्लॉट अपना 2020 में लगा हुआ है। हाँ। शायद है ना? नहीं, पहला 19 को लगा है, फिर अभी इसका 20 में लगा था। और इसका एवरेज भी अच्छा आया और रेट भी आपको अच्छा मिला। पिछली बार कुछ आपको रेवा के बारे में यहाँ दिक्कतें देखने के लिए मिली थी। माल बढ़िया था, सारी चीजें थी, रिकवरी भी थी, लेकिन एक्सपोर्ट में कुछ आपको दिक्कतें आई थी। लेकिन आप लोगों ने उन लोगों को बढ़िया से समझा कर और अभी मार्केट में वही चाल आपने डाल दी। तो क्या दिक्कतें आई थी, मतलब रिकवरी को लेकर? क्या हुआ था, पिछले साल जब इसका फर्स्ट था, तो फर्स्ट में क्या हुआ था, रेवा था, उसका वादा तो बहुत अच्छा था। और फनी थी अपने पास, खाली 8-9 थी। तो सब बोले, अरे 8-9 फनी पड़ी है, उसका वजन कितना आएगा, क्या आएगा, सब बोले। बोल चलते देखेंगे, बाद में क्या होता है देखेंगे। फिर जब उसको बेचने का टाइम आया तो मेरे को एसके का, श्री कृष्ण एक्सपोर्टर्स का एक वेंडर आया था, तो बोला कि अरे ये क्या फनी है, क्या क्या है, मजाक है, इसको सब क्लस्टर में डालना पड़ेगा मेरे को। तो मैं आपको उतना रेट नहीं दे पाऊंगा। बोला क्लस्टर में क्यों डालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास आपके फनी के साइज का बॉक्स ही नहीं है पहले के पास। और उसको कटिंग करने के बाद में वो 6-7 के उसमें बैठेगा नहीं, सारा पूरा माल क्लस्टर में बैठेगा, तो इसलिए मैं आपको जो चाहिए वो रेट नहीं दे सकता। बराबर। तो फिर मैं उसको बोला, अरे 4-5 का प्रीमियम का लगता है, अगर एक गाड़ी में 900 बॉक्स बेचेंगे उसमें 500 जगह अगर 4-5 के बैठेंगे तो आपको ही ज्यादा फायदा है आपकी कंपनी को। बोले नहीं, वो नहीं चलता। नहीं, इसमें अभी मैं रोकना चाहूंगा। इसमें हुआ क्या, जब ये गया आपका बंदा, ये खेत में ही घूम रहा था जब आपने मुझे रिंग कर दिया। हाँ, बराबर। कि भैया यार, रेवा प्लस के पौधे लगाए हैं। हाँ। और यहाँ जो भी व्यापारी आता है ये यही बोल के जाता है कि यार इसको क्लस्टर करके ही लेकर जाना पड़ेगा। हाँ, तब फिर मैंने आपसे जो बात करी। हाँ। और आपने जो उस व्यक्ति को बोला। हाँ। तब से वो व्यक्ति यहाँ आया ही नहीं। मैंने आपको एक ही वर्ड बोला कि मार्केट में हुआ क्या है, जैसे सोलापुर हो या महाराष्ट्र या भारत कहीं पे भी हो, एक्सपोर्ट में क्या चाहिए, ये अभी तक भी मार्केट में नीचे तक परोसा नहीं गया है। नहीं, अभी तक नहीं, इस साल खाली बोल रहे अभी रिकवरी नाम किसानों को सुनने में आए। व्हाट इज मीन्स ऑफ द रिकवरी, रिकवरी क्या है, उसमें क्या चाहिए, और एक अगर एक किसान को रेट ज्यादा क्यों मिल रहा है और एक को कम क्यों मिल रहा है, वो उनको अभी ये 2022 को समझ आ रहा है। मैं 2020 से चिल्ला रहा था जो मेरे 2020 में इन्होंने मुझे फ़ोन किया और जब इन्होंने मुझे बताया कि गणेश भैया रेवा प्लस के पौधे लगाए हुए हैं और ऊपर के पंजे की
कटिंग करने के बाद में वेट कुछ 6 किलो 6.5 किलो के लगभग आ रहा था बराबर, ऊपर के पंजे का। तो ये लोग बोल रहे क्लस्टर में हम लोग कटिंग करेंगे तो आपको रेट कम मिलेगा। मैंने इनको बोला कि इनको तो सबसे पहले बोलो कि आप जो कटिंग करते हो तो 13 किलो के बॉक्स में 7 हैंड्स अगर रखोगे और 13 किलो के ही बॉक्स में अगर 4 हैंड या 5 हैंड रखोगे तो दोनों में अच्छा बेस्ट कौन सा है, यही बोला था ना। तो उसके पास तो जवाब ही नहीं था इस चीज़ों का। फिर अलग वेंडर आया कोई, जब इन्होंने उनसे बात करी, बात क्या थी, हम छुपाना जानते हैं हमें क्या चाहिए, मतलब जो व्यापार कर रहा है उनको अगर वो मार्केट में चीज़ें नहीं मिल रही है तो वो मार्केट से उस चीज़ों को छुपाना चाहता है। क्यों? क्योंकि असलियत अगर सामने आई और वो अगर चीज़ हम लोग लोगों को नहीं दे पाए तो शायद उनके धंधे चौपट हो सकते हैं। ये मैं कड़ू सत्य बोल रहा हूँ, जो लोग भी सुनेंगे समझेंगे तो थोड़ा सा गौर करना इन चीज़ों के ऊपर। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि पिछले साल मुझे आपके जैसे 10 व्यक्तियों के फ़ोन आए और हर व्यक्ति को मैंने यही बोला कि आपने रेवा प्लस लगाया हो या रेवा G9 लगाया हो, आपके पास अगर कोई व्यक्ति व्यापारी कटिंग करने के लिए अगर आता है तो उसको डायरेक्ट बोलना है कि मेरे खेत में अगर आओगे तो 4 हैंड और 5 हैंड में ही आपको 13 किलो या 13.5 किलो केजी का बॉक्स मिलेगा। और आप अगर ये प्रीमियम वाले बॉक्स अगर ऊपर मार्केट में भेजते हो तो ये गोल्डन प्रीमियम में जाता है। गोल्डन प्रीमियम किसान दरबार में सागर भाई और बलराम भाई ने इस पर डिस्कस किया था, व्हाट इज मीन्स ऑफ गोल्डन प्रीमियम, क्या है गोल्डन, क्या है और ए प्लस क्या है, बी प्लस क्या है, ये सब बोला। इससे होता क्या है, एक बॉक्स देखिए वेट कब आएगा, जब उसका लेंथ रहेगा बराबर। तो इसमें लेंथ के लिए तो मैं नहीं बोलूंगा, आप बता सकते हो बराबर। दूसरी बात, एक्सपोर्टर के पास में जो लोडिंग बनाते हैं यहाँ से, समझो मैंने महीने के मेरे 40 कंटेनर है या 50 कंटेनर है, अगर उसमें से मैंने प्रीमियम गोल्डन प्रीमियम वाले अगर बॉक्स बनाकर भेजे 4 हैंड या 5 हैंड में, कितने, 2 ही कंटेनर, और बाकी मैंने अगर 58 कंटेनर 7 हैंड वाले भेजे तो उसमें होगा क्या, कंपटीशन बढ़ेगा, सामने वालों की डिमांड वही आएगी जो कि मार्केट में माल अभी बना नहीं है बराबर है। उसके बाद में आपको कतई प्रॉब्लम नहीं आया और आपको पूछा भी नहीं, क्योंकि सामने वाले को पता था कि ये बंदे को गोल्डन पता है, ए पता है, बी पता है, सी पता है, फिर तब से कई दिक्कत नहीं आई, खाली रेट बताओ और हम आपका माल हम हमारे हिसाब से कटिंग करके लेके जाएंगे। भले ही उन्होंने 7 हैंड में ही कटिंग किया हुआ होगा लेकिन बाद में इनको पूरा कम्प्लीटली रेट दिया है, सही बात है या झूठ है? उस टाइम हमारे कंदर में कंपनी का रेट चालू था 15 रुपए 30 पैसे, यानी कि कंपनी पेमेंट। अब अगर आपको कंपनी को माल देते हैं तो कंपनी पेमेंट करती है 15 दिन बाद RTGS, तो उसको बोलते हैं कंपनी पेमेंट। उनका रेट था 15 रुपए 30 पैसे, तो उन्होंने मेरे को इधर जगह पे 15 रुपए 30 पैसे दिया था, वो भी एक गाड़ी का, दो नहीं 3 गाड़ी का दिया था वो भी। क्यों? क्योंकि मेरा पूरा वैसा बैठ रहा था, पूरा गोल्डन प्रीमियम में माल था। अगर मेरा कितने भरते थे, 800-900 बॉक्स भरते थे वन टाइम, तो उसमें से 600 तक 4 हैंड 5 हैंड थे, उसके बाद 6 हैंड आता था और थोड़ा 7 हैंड बनता था, और क्लस्टर थोड़ा ही बनता था। नीचे वाले केले की भी लेंथ अच्छी थी और कीपिंग क्वालिटी वगैरह ये सारी चीजें काफी अच्छी थी। नहीं है ना, संदर्भ में बताया था क्या कि अगर आपकी लेंथ ज्यादा रहेगी तो फाइबर ज्यादा रहते हैं, सुक्रोज कम रहता है, तो उससे क्या होता है कीपिंग क्वालिटी ज्यादा है। तो वही बंदे जो जिसने मेरा माल लिया था, वही बंदे ने वही सेम बात बोली कि अगर तेरा लेंथ ज्यादा है तो मुझे जब तक मैं दुबई को माल भेजूंगा नहीं तो ईरान को भेजूंगा तब तक वो अच्छा रहेगा, अगर छोटे लेंथ रहेगी मोटा रहेगा तो फिर वो सुक्रोज की ये बढ़ जाती है। तो वो शुगर अगर ज्यादा बढ़ेगी तो वो पीलापन जल्दी देगा, मीठा पीला मतलब मीठा। तो ये इन चीजों में अभी सेकंड आपने रखा था तो सेकंड में भी अच्छा, सेकंड भी एक्सपोर्ट हुआ, हम अपना सेकंड 30 टन एक्सपोर्ट हुआ अभी तक। ओके, और बाकी तो दोनों में बराबरी रेट आ गई थी तो लोकल में ही चला गया फिर। हाँ, अभी तो लोकल में। और तीसरा भी आपने रखा हुआ है, मतलब किसान पाठशाला को जो आपने देखा था, समझा था और वो सीखा, तो आज इम्प्लीमेंट आपके खेत में कर रहे हो। नहीं तो अभी तक कोई भी कंपनी ने ये नहीं बोला है कि एक बार पौधा लगाओ और कंटिन्यूसली इसको चलाओ। नहीं नहीं नहीं, वैसा कुछ बोला नहीं, क्योंकि पहले मेरे को किसान पाठशाला में ही पता चला कि हम केले 3 साल के आगे रख सकते हैं, 4 साल तक रख सकते हैं, 5 साल तक रख सकते हैं, लेकिन कैसे रख सकते हैं, तो उसको सीखने में मेरे को 1.5 साल लगा और अभी मैंने उसको अपने खेत में यूटिलाइज किया, अभी चालू हुआ उसका कर दिया कि कैसे रख सकते हैं।
बराबर। अभी आप लोगों को खुद समझना है और समझ के फिर एकदम अप्लाई करना है। आपने यानी कि फर्स्ट टाइम तो छोड़िए, खोड़वा यानी कि सेकंड में भी वैसी रिकवरी आई। वन टाइमिंग ही कटा हाँ, और अच्छा ही रहा। अपना 35 टन माल खाली 12 दिन में कट गया, ये खासियत है। अभी ये टंगा हुआ है ना आपका सेकंड का, नीचे तक की लेंथ अगर आप देखोगे, आपके पास टेप भी है शायद, ये देखो ये नीचे तक का भी एकदम प्रीमियम है। ये लगा हुआ यहाँ, ये तो लास्ट पंजा है। कितने पंजे रखे हुए हैं? एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये आठ, आठवें नंबर का पंजा भी एकदम प्रीमियम लेंथ है। ये कम से कम 6.5 इंच का होगा केला। उसकी नोक छोड़ देना है और फिर वहाँ से लगाना है। 6, 6.5 साढ़े छः इंच का है, मतलब ये लेंथ मिलनी चाहिए तो मार्केट में आपकी डिमांडिंग रहेगी और ऊपर में तो प्रीमियम है एकदम। इस 11 इंच के लगभग लेंथ है ऊपर वालों की, और केलों की संख्या भी काफ़ी अच्छी है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 26 केले हैं। एकदम बढ़िया है। ओके, थैंक यू भारत, नमस्ते किसान।